हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे अर्जुन, हम और तुम ये शरीर नहीं हैं, हम तो इन शरीर के अंदर रहने वाली आत्माएं हैं। ये शरीर तो केवल हमारे रथ हैं, हम उसके स्वामी हैं। रथ के टूटने से स्वामी नहीं टूट जाता, उसी प्रकार शरीर के सुख और दुख आत्मा को सुखी या दुखी नहीं करते। यदि हम आत्मा हैं, तो फिर ये सुख दुख का आभास हमारी आत्मा को क्यों होता है? ये सुख दुख का आभास आत्मा को नहीं होता, केवल शरीर को होता है। तो फिर आत्मा को क्या होता है? आत्मा को कुछ नहीं होता, क्योंकि ये होना न होना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब प्रकृति के नियम हैं। आत्मा तो अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा प्रकृति की सीमा से बाहर है। आत्मा अचिंत्य है, मानवीय चेतना के चिंतन के घेरे में नहीं आती। अर्जुन, आत्मा पर प्रकृति और सृष्टि के नियम लागू ही नहीं होते, क्योंकि वो सृष्टि और प्रकृति दोनों ही की पहुंच से बाहर है। जैसे एक चिंगारी अग्नि का ही अंश होती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है। इसलिए वो नित्य, अजन्मा, सनातन और सर्वव्यापी है, स्थिर रहने वाला और अचल है। अच्छेद्यो अयम, अदायो अयम, अक्लेद्यो अशोष एव च, नित्यः सर्वगता स्थाणुर अचलो अयम सनातनः। आत्म अभेद्य अदाय अक्लेद्य ये अमित अशोष कहावे। शोक बावरे व्यर्थ ही नहीं।